बताया कि हमको कष्ट ये है कि धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ करके कुशासन दे देता। संसार में मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित आया है, सो जाएगा राजा रंग फकीर और कौ सिंहासन चल चला को बांधा गया जंजीर। तो व्यक्ति जिस समय अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, मनुष्य का निधन हो जाता है, तो मनुष्य को तो कुशासन दिया जाता है। इस बात के सभी लोग साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का निधन हो जाए तो उसको कुशासन दिया जाएगा। लेकिन भैया अगर कोई वस्तु तोड़ी गई हो, कभी किसी वस्तु को कुशासन दिया गया हो तो आप प्रमाण दीजिए, कभी वस्तु को तोड़ दिया गया हो या कोई वस्तु स्वतः नष्ट हो गई हो और कभी उसको कुशासन दिया गया हो, तो पंडित जी प्रमाण दीजिए आप कि लक्ष्मण वो धनुष तोड़ा गया, वो वस्तु नष्ट हो गई, उसको कुशासन दिया गया, उसकी अंत्येष्टि की गई या उसको गंगा जी पर ले जाया गया वस्तु के टूटने पर। बोलो। और ये शिवांश जी छोटा सा बच्चा शिवांश कश्यप 11 पुट मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 पुट मुद्राएं भगवान बलदेव जी के चरणों में कोट कोट साधुवाद। तो महात्मा जी कभी वस्तु के टूटने पर या धनुष के टूटने पर उसको कुशासन नहीं दिया जाता। आइए संसार जगत का प्रमाण लीजिए, आप लोगों के घरों में बहुत सी वस्तुएं होगी जो आप लोग कुछ लोग तो क्रोध में आकर जानबूझ के तोड़ देते होंगे और कुछ स्वतः टूट जाती होंगी, तो क्या उसको कुशासन देते? चाहे जिस जगह का प्रमाण ले लीजिए, वस्तु के टूटने पर कभी उसको कुशासन। और ये सम्मानित हमारे सरोज भैया जी सिरधरपुर, सरोज भैया जी सिरधरपुर, उनकी तरफ से 25 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में कोट कोट साधुवाद। वस्तु के टूटने पर कभी कुशासन नहीं दिया जाता है। आइए, आपने कहा लक्ष्मण तुम कहते हो कि धनुष तोड़ने वाले की संसार जय जयकार कर रहा हो, यहाँ तो धनुष तोड़ने वाले को बांधा जा रहा है। आपने प्रमाण भी दिया कि ले छड़ाए सी का को, क्या ये सम्मान हो रहा है धनुष तोड़ने वाले का? आपने कहा ले छड़ाए सी का को धरी बांधो नृप बालक दो और जो विदेह परे सहाई तो जीतो समर सहित तो भाई, दोनों भाइयों को जीत ले अगर राजा जनक सहायता करे। अच्छा विचार करो, जो राजा धनुष को राब चढ़ाब तोरब भाई, इतना तो दूर की बात, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, जो राजा धनुष को तिल मात्र हिला नहीं पाए तो वो धनुष तोड़ने वाले को कैसे जीत लेंगे ये बता? जो राजा धनुष पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए वो राजा धनुष तोड़ने वाले पर विजय कैसे प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे पंडित जी। तो एक बात और बताता हूँ, आपने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं है, जो आप कह रहे हो कि धनुष सौस्वाहु समसोरिप मोरा, सीता को आशीर्वाद दिया आपने, सीता कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, जो सीता है वो सारे संसार की माता है जग जननी। तो सीता ने वरमाला किसको पहनाया है? जिसने धनुष तोड़ा है ना। ए चंद्रमान पीछे कर लियो, जब आता बात ताला भाई तो संवाद चल रहा है पति के, तो शांत जय जय। तो जो धनुष तोड़ने वाला है सीता जी है, जब सारे संसार की माता जनक सुता जग जननी जानकी, तो जब सीता सारे संसार की माता है तो जिसने धनुष तोड़ा है, सीता जी ने जिसको वरमाला पहनाया है, वो भी कोई संसार का पिता ही होगा, साधारण कोट का नहीं होगा, इसलिए पंडित जी वो शत्रु नहीं। आपने कहा एक बात आपने रखी, हमने कहा सुनो देव सब धनुष समाना, तो आपने बढ़िया परिमाप बताया कि उत्तम कोटि का धनुष, मध्यम कोटि का धनुष 5.5 4.5। पंडित जी एक लट्ठा ले लिए, एक जरीब ले लिए, हाँ, और लेखपालीकरण लगा, ज्यादा बढ़िया रहिए, हाँ, उत्तम कोटि का धनुष क्या ही बातें हैं, उत्तम कोटि का धनुष और साथ, अरे धनुष तो धनुष, धनुष चाहे उत्तम कोटि का हो चाहे मध्यम कोटि का, चलो तो उससे बाण चलो तो बाण, उससे बाण वर्षा हुई है ना। तुम्हारी तरह थोड़े कि सब धनुष बतावत घूमन और चलाओ,
आपने कहा एक बात आपने रखी थी कि हमको कष्ट इस बात का है कि एक संत की अस्थियों का यह धनुष बना। हाँ महात्मा जी, ये सत्य है, महात्मा दधीच की अस्थियों से यह धनुष बना है, इसको मैं स्वीकारता कि महात्मा दधीच की अस्थियों से बना है, आपकी बात को इसको मैं स्वीकारता हूँ, अच्छी है। लेकिन आपने कहा ये तोड़ दिया गया है, ध्यान देना, ये तोड़ दिया गया, तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया गया है। महात्मा जी एक बात विचार करो, ये तो धनुष है, ये तो धनुष है, धनुष टूट गया, धनुष के प्राण निकल गए, चला गया, आदमी तक के प्राण निकल जाते, वो धरती पे धर हो जाती है, राजमहल में ना बैठा हो जाती है। हाँ, इसलिए कहते हैं पंडित जी ये फरसा रख जाओ, और नहीं तो हमको क्रोध अगर बढ़ गया तो कुछ और भी हो सकता है। क्या होगा, क्या होगा, और भी कुछ हो सकता है, बढ़ा जाए, यात्रा की जाए, निपट ले। सुनो महेश वाला, ये महात्मा जी बोलते तो बहुत हो, कहो तो बोलती तुम्हारी बंद कर दू, निज बाग पत्ता से कहो उन्हें आज ऐसा फंद कस दू, बोलने के पूर्व सोचो क्या जरा दिख पाओगे, और यदि किया तो साहस तो आज मुंह की खाओगे। कुछ पढ़ करके भी आए हो, कुछ लिख करके भी लाए हो, कुछ सुन करके भी आए हो, ये भी जरा विचार करो किसके समक्ष तुम आए हो, बोलने के पूर्व सोचो, कहो ऐसा फंद कस दूं। मुनिराज रिसीवर ब्राह्मण देवता बोलते तो बहुत हो, कहो तो बोलती तुम्हारी बंद कर दूं। तुम्हारे बाप में भी क्षमता नहीं जो हमारी बोलती बंद कर सके, तुम्हारी तो कहीं किसी गिनती में नहीं हो। जोरदारी से ताली बजाई जाए भाई, जोरदारी से। एक व्यक्ति से ही कहा गया, एक व्यक्ति से पूछा गया, बोले महाराज अगर लड़ाई ना हो रही हो तो लड़ाई कैसे होगी, तो ब्राह्मणों ने तुरंत एक सूत्र निकाला, बताया, बोले ऐसी वाणी बोलिए जो तुरते ही झगड़ा हो, वाणी के माध्यम से झगड़ा होने लगेगा। तो उसने कहा महाराज चाहे जो कल ना गलती ना कर देना, कल क्यों, कल उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा। एक बात ध्यान रखना कि सामने वाले को पहले देख लेना कि तुमसे तगड़ा ना हो, तुम जाओ उसे मारने हो तुम्हें उठा उठा के दही दही मारने लगा, तो पहले सामने देखो खड़ा कौन है। तुम दोनों हाथ से एक धनुष चलाते हो और हम दोनों हाथ से दो धनुष चलाते हैं, सबे साची है, तो एक तुम्हारी छाती पर धर देंगे और एक से तुम्हारा बाण कर देंगे। अब पहले सामने देखो, पहले हमारी ओर देखो, फिर अपनी ओर देखो। कभी भी जो भीर चतुर योद्धा होते हैं तो सामने वाले को देख करके युद्ध करते हैं, और तुमने देखा नहीं, केवल एक बात अगर सीखे हो कि लड़ जाएंगे, कुछ लोग लड़ जाएंगे चाहे मान डारे जाए, वो चतुर योद्धा नहीं होते। तो बेटा ये योद्धा के लक्षण होते हैं, इसलिए अगर बोलती बंद कर, बबुआ जब तुम्हारी बोलती बंद थी तुम अपनी बोलती नहीं खोल पाए, दोनों भाई बैठे थे, इसी राज समाज में ललकारा जा रहा था, इसी समाज में, और दोनों भाई की ठेगी बंधी हुई थी, आवाज नहीं निकल रही थी, सरल सुभाए और चले गुरु पाए। और जब दोहा सरल सुभाव, तो बेटा तुम दूसरे बोलती कैसे बंद कर पाओगे, अब पीछे वाला हम छोड़ दे सोच ये रहे हैं। ब्याजी